मैं इंद्रजीत यादव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ में इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि कॉर्नर फार फेसिंग होने वाला है। साइज की बात करें तो लगभग 140 गज का साइज है, काफ़ी बड़े साइज में ये फ्लैट होने वाला है। 3 BHK 3 वॉशरूम 2 बालकनियों के साथ में ये फ्लैट होने वाला है। तो यहाँ से हमारी एंट्री है, एंट्री करते ही हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का साइज आप देख सकते हो, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का आप साइज देख लो, काफ़ी अच्छा लुक देने वाला ये ड्राइंग रूम है। एंट्री करते ही ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख सकते हो, प्यारा सा फॉल सीलिंग का काम, बहुत ही प्यारा फॉल सीलिंग का काम इसमें हो रखा है। लिफ्ट पार्किंग के साथ में फ्लैट होने वाला है, 2 बालकनी है, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग फ्लैट है। यहाँ पे हमें LED पैनल मिलता है जो कि आप देख सकते हो, ये हमारे LED पैनल है। यहाँ पे बालकनी के लिए गेट मिल जाता है हमें, यहाँ पर सामने आप देख सकते हो विंडो है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दीवार पे वुडन वर्क का काम, काफ़ी प्यारा सा वुडन वर्क का काम हो रखा है। यहाँ पे हमारा L6 में सोफ़ा आ जाएगा जो कि काफ़ी बड़े साइज में ड्राइंग रूम में, तो L6 में यहाँ सोफ़ा आ जाएगा आपका, और यहाँ पे सामने LED पैनल मिल जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देख सकते हो ये हमारा ड्राइंग रूम का साइज है, काफ़ी बड़े साइज में ये ड्राइंग रूम में। साइज की बात करते हैं तो 14 बाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 का ये ड्राइंग रूम का साइज है जो कि काफ़ी बड़ा साइज है, स्पेस काफ़ी स्पेस है। अब बात कर लेते हैं हम बालकनी, तो यहाँ से हमारा अटैच बालकनी है, इस ड्राइंग रूम से अटैच हमें यहाँ पर बालकनी मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी बालकनी है, बालकनी में सामान पड़ा हुआ है। तो काफ़ी बड़ी साइज में ये बालकनी होने वाली है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन का पॉइंट मिल जाता है जो कि वॉशिंग मशीन हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा बालकनी हो गया, मैं दिखा दूंगा एक बार बालकनी लास्ट में। तो चलते हैं अब बात करते हैं हम किचन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड्यूलर किचन बनी हुई है जो कि काफ़ी शानदार किचन बनी हुई है। किचन में एंट्री करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे सिंक लगा हुआ है, और काफ़ी प्यारा स्लीप है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें चिमनी का पॉइंट मिल जाता है। ऊपर के साइड में भी काफ़ी सारे स्टोरेज बने हुए हैं, नीचे भी काफ़ी स्टोरेज बने हुए हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। प्यारी सी मॉड्यूलर किचन है, अंदर जो भी काम हो रखा है पत्थर का काम हो रखा है। तो हमारी किचन हो गई क्योंकि काफी मॉड्यूलर किचन है, बिल्कुल सेपरेट किचन होने वाली है दोस्तों। और बात करते हैं हम फटाफट, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कॉमन वॉशरूम में, और यहाँ से हम दिखाते हैं आपको कॉमन वॉशरूम, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, और वॉशरूम का साइज आप देख लो, काफ़ी बड़े साइज में ये वॉशरूम होने वाला, काफ़ी स्पेस है वॉशरूम में। ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो गया, अब चलते हैं फटाफट और बात करते हैं हम पूजा रूम की। तो यहाँ पे हमें पूजा रूम मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे पूजा रूम मिल जाता है जो कि हम यहाँ पे पूजा रूम बना सकते हैं, पूजा रूम ऑलरेडी बना हुआ है। अब चलते हैं हम आते हैं ड्राइंग रूम में, फिर आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, ये हमारा ड्राइंग रूम का लुक है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और बेडरूम में एंट्री करते ही आप देख सकते हो बेडरूम का लुक, बेडरूम का साइज आप देख लो, काफ़ी बड़े साइज में ये बेडरूम होने वाला है। सामने आप देख सकते हो अलवेरा लगी हुई है, काफ़ी बड़ी सी अलवेरा है, ऊपर फॉल सीलिंग का भी काम प्यारा सा हो रखा है इसमें।
और इस दीवार पे हमें वॉलपेपर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, सॉरी टेक्सचर पेंट है, और इस दीवार पे हमें टेक्सचर पेंट मिल जाता है। बेडरूम के साइज़ की बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 बाई 10 का बेडरूम का साइज है, जो कि काफ़ी बड़े साइज में ये बेडरूम होने वाला है। यहाँ पे हमें अलमारी मिल जाती है और यहाँ से हमें विंडो मिलती है बाहर के लिए, और यहाँ पे गेट मिलता है। इस बेडरूम से अटैच हमें यहाँ पर वाशरूम मिल जाता है दोस्तों, और मैं वाशरूम दिखा देता हूँ आपको इसका। तो यह हमारा वाशरूम हो गया, तो इस बेडरूम से अटैच हमें यह वाशरूम मिलता है, जो कि कॉमन ये अटैच वाशरूम है। अब बात करते हैं बालकनी की, तो चलते हैं दिखाता हूँ मैं आपको बालकनी। तो चैनल पर बने रहिए। यह हमारी बालकनी है, और सामने का व्यू आप देख लो, सामने पार्क फेसिंग फ्लैट है, तो सामने पार्क है, बिल्कुल प्यारा सा पार्क है, बहुत मेंटेन पार्क है, बढ़िया पार्क है। तो सो दोस्तों, ये हमारी बालकनी हो गई। बालकनी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़े साइज में ये बालकनी होने वाली है, फिर मैं दिखा दूंगा आपको। चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ, फिर आ जाते हैं बेडरूम में, और बेडरूम का साइज आपने देख ही लिया। तो फिर आते हैं हम ड्राइंग रूम में। यह हमारा ड्राइंग रूम आ गया, और ड्राइंग रूम में आने के बाद यहाँ पर हमें दूसरा बेडरूम मिलता है, जो कि यह बेडरूम आप देख सकते हो, ये भी बेडरूम बालकनी से अटैच है। तीनों बेडरूम बालकनी से अटैच है, और ड्राइंग रूम भी हमारा बालकनी से अटैच है। ये बेडरूम का साइज आप देख लो, सामने आप देख सकते हो अलमेरा लगी हुई है, काफ़ी प्यारी अलमेरा है, बड़े साइज में अलमेरा लगी हुई है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा सा फॉल सीलिंग हो रखा है। इस दीवार पे हमें वॉलपेपर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से वॉलपेपर लगाया गया है। और यहाँ साइज़ की बात करते हैं तो 10 बाई 2, 4, 6, 8, 10, 12 का बेडरूम का साइज है। जो बेडरूम का साइज़ है 10 बाई 12 का है। यहाँ पे हमें विंडो मिल जाती है, आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडो एसी लगा सकते हैं। और इस बेडरूम से अटैच हम बालकनी आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ से इस बेडरूम से भी अटैच हमें बालकनी मिल जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेडरूम से अटैच और ड्राइंग रूम से अटैच बालकनी हमें मिल जाती है। यह बालकनी है, और सामने ये आपका पार्क है। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम फिर ड्राइंग रूम में, आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का लुक कुछ है इस तरह से। यहाँ से हमारी एंट्री थी, और यहाँ से हमारा तीसरा बेडरूम, जो कि मास्टर बेडरूम होने वाला है। काफ़ी बड़े साइज में ये मास्टर बेडरूम है दोस्तों, आप देख सकते हो। बेडरूम का साइज जो 2, 4, 4, 8, 4, 12 और 2, 14, 14 बाई 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14 बाई 11 का बेडरूम का साइज़ है, जो कि मास्टर बेडरूम का साइज़ है। काफ़ी बड़े साइज में ये मास्टर बेडरूम होने वाला है, और इस तरह का लुक है। सामने यहाँ पे आप देख सकते हो अलमारी बनी हुई है, काफ़ी बड़े साइज में ये अलमारी है। मैं इस अलमारी को खोल के दिखा देता हूँ, सेम ऐसे ही तीनों बेडरूम में अलमारी है, लुक है अभी। ये अलमारी है, यहाँ पे हमें विंडो मिलती है, जो कि बालकनी से अटैच ये रूम है। यहाँ से हमें बालकनी में एंट्री मिलती है, और इस दीवार पे आप देख सकते हो वॉलपेपर मिलता है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम आप देख लो, ये मास्टर बेडरूम का फॉल सीलिंग का काम है, जो कि प्यारा सा फॉल सीलिंग इसमें भी हो रखा है, इस मास्टर बेडरूम में भी। काफ़ी बड़े साइज़ में ये फ्लैट है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, इस मास्टर बेडरूम का भी साइज़ काफ़ी बड़े साइज में है। अब बात करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको वाशरूम, जो कि इस बेडरूम से अटैच है। और वाशरूम का साइज़ आप देख लो, साइज़ काफ़ी बड़ा साइज़ है, शायद ही इतना बड़ा साइज़ आपको वाशरूम का मिलेगा। साइज़ की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाई 1, 2, 3, 4
कम से कम दस दस बाई एक तीन चार चार अच्छा 10x5 का ये साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज है। तो काफ़ी शानदार वीडियो है, काफ़ी शानदार फ्लैट है दोस्तों, बहुत ही जल्दी निकलने वाला फ्लैट है, बिल्कुल बजट में है, 1.5 की डिमांड है। और यहाँ से हमारा यह बालकनी है, यह हमारी बालकनी है, इसमें सामान रखा हुआ है बालकनी में। पीछे के साइड में भी हमें पार्क मिल जाएगा और फ्रंट पे भी पार्क मिल जाएगा। तो ये हमारा बेडरूम का साइज आपने देख ही लिया। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और दिए हुए नंबर पे कॉल करके विजिट कर ले, क्योंकि प्रॉपर्टी ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है, बहुत ही बढ़िया साइज में बढ़िया प्रॉपर्टी है। इस बजट में कम से कम इस साइज में आपको प्रॉपर्टी जो भी मिलेंगी, कम से कम 20-30 की डिमांड में प्रॉपर्टी हो रही है। लिफ्ट कार पार्किंग के साथ में ये फ्लैट होने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।